स्पेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में हम जानते हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना होता है, उसके बारे में आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, और परमाणु का योगदान हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर परमाणु न होता, हम न होते, आप न होता, ये दुनिया नहीं होती, तो और ज्यादा से ज्यादा क्या कहें हम परमाणु के विषय में। आप आते हैं अपने एक टॉपिक पर। तो कण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महान दार्शनिक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने किया था। इन्होंने कण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इनके बाद और ढेर सारे वैज्ञानिक है, मतलब ढेर सारे दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने परमाणु को बताया परमाणु क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे महर्षि कणाद के बाद अरस्तु जैसे दार्शनिक और कई ढेर सारे डाल्टन, टॉमसन, अनेक प्रकार के लोग आए जिन्होंने बताया। तो अब हम जानते हैं कि परमाणु होता क्या है। परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है जो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो हम जानते हैं अर्थ होता है, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, परमाणु करते हैं। इसको सन 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है जो अविभाज्य होता है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और उन सिद्धांत को हम अब जानते हैं, एक-एक करके क्रम बाय क्रम जानते हैं कि उनका सिद्धांत क्या था। सर जॉन डाल्टन का सिद्धांत पहला रूल ये था कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। हमारे इतना बड़ा हाथ करने का मतलब, ऐसे फैलाने हाथ मतलब करने का मतलब ये नहीं था कि परमाणु इतने बड़े होते हैं। नहीं, हम अपनी नग्न आंखों द्वारा देख ही नहीं सकते कि कोई भी पदार्थ ले लो, उसका टुकड़ा करते जाओ, टुकड़ा करते जाओ, एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। उन्होंने पहला ऐसे ही बताया। अब दूसरा उनका क्या था कि जो एक तत्व की सभी परमाणु भी समान होती हैं, एक तत्व की सभी परमाणु भी समान होती हैं, अब भिन्न 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 तत्वों के परमाणुओं में अंतर। पहला उनका ये था कि जो परमाणु होता है, पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा ये है कि एक तत्व की सभी परमाणु भी समान होती हैं, और तीसरा है विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर होता है। और अब हम जानते हैं चौथा क्या था। परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है। जो परमाणु होता है वो द्रव्य का यानी पदार्थ का छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया तो आप पहले ही जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ना जानते हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उससे आप जान सकते हैं कि तथा असमान परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। अब उसके बाद इसे किसी भी परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम जानते हैं उसके आगे, ये तो रही 18वीं शताब्दी की बात। अब हम जानते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में।
19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा परमाणु को अविभाज्य व संरचनाहीन मानने से इनकार कर दिया गया। जो परमाणु होता है उसको अविभाज्य व संरचनाहीन मानने से इनकार कर दिया गया। पहले क्या था कि परमाणु का कोई संरचना नहीं था और इनको विभाज्य नहीं था, ये अविभाज्य माना गया था, इसको इनकार कर दिया गया 19वीं शताब्दी यानी 19वीं सदी के दौरान। इन सबको जितनी बातें कुछ बातें जो बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है और ये जो परमाणु होता है वो संरचना विहीन होता है यानी इसकी कोई संरचना नहीं होती, उस बात को से इनकार कर दिया गया। तो बताया गया कि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ये तीन चीजों से मिलकर हमारा एटम का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, माना 20वीं शताब्दी के दौरान बताया गया जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश का चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पे धन आवेश का चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रल चार्ज होता है। तो इसके बारे में हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अब हम चर्चा करते हैं। तो अब हम आवाज तो क्लियर आ रही है ना, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की, जिसको हम याद करने के लिए, मेमोराइज ट्रिक करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बताते हैं ईटा पर नाचा, यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर टॉमसन, यानी ईटा, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। ईटा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। पर यानी पो फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। और नाचा यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। अब इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 1.673 × 10²⁷-27 होता है और −27 kg। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का मान होता है उसका द्रव्यमान 1.75 × 10²⁷-27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.109 × 10²⁷-31 −31 kg, यानी कितना सूक्ष्म होगा ये कण, −31, मतलब इसका भार कितना कम होगा, कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए उसके बारे में हम आगे विषय चर्चा करते रहेंगे।